अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप साहब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज है हमारे साथ सफियान भाई, जिन्होंने लास्ट इंटरव्यू दिया था दुबई से। ये आए थे पुर्तगाल में, इनके हो गया पेपर सबमिट। तो मैंने कहा चला एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने से पेपर जो है ना अप्लाई किए और सबमिट करवाए और कितना टाइम इनको लग गया। सो अस्सलाम वालेकुम सफियान भाई, कैसे हैं? क्या ठीक है? है। ठीक ठाक है। तो लास्ट इंटरव्यू आपने दिया था, आपने बताया था कि मैं दुबई से पुर्तगाल आया, ठीक है। तो आपने अभी पेपर सबमिट करवा ली, जी तो प्लीज दोस्त, मुझे तो पता है, मैंने तो आज से 2 साल पहले ये काम किया था, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ आजकल मतलब कितना टाइम लग रहा है पेपर सबमिट करवाने में, और कौन कौन सा पेपर चाहिए, और कैसे आपने जो है ना पेपर सबमिट करवाए, प्लीज दोस्तों को थोड़ा सा बता दें। ये जो आजकल है बहुत ही इन्होंने इजी कर दिया हुआ है। पहले जो आपने बताया था काफी टाइम लग जाता था ना, बिल्कुल तो वो बहुत इजी था। सबसे पहले हमने फिनांस बनवाया था, बिल्कुल मैं और आप एक साथ ही गए थे, बिल्कुल, एक साथ और वो गए फौरन थे ही मिल गया था, उसी यानी वक्त उसी टाइम, 10 मिनट्स लगे थे ना बिल्कुल विदाउट चार्जेस के। विदाउट चार्जेस और के। उसके बाद फिर दूसरी चीज जो नेसेसरी होती है वो है जुंता, जनता वो बिल्कुल उसमें हमने उनको फॉर्म दिया था और 6 से 7 दिन के अंदर अंदर बन के आ गया था बन गया शायद। था। और तीसरी चीज थी सिगोरो, जिसको सिगोर हम इंग्लिश में सोशल कहते हैं, सोशल कहते हैं, यानी कि टैक्स हाँ नंबर, टैक्स नंबर। ठीक है उसके लिए हमने वहां से डायरेक्ट खुद अपॉइंटमेंट ली थी, वो बिल्कुल 6 to 7 days आफ्टर आपको अपॉइंटमेंट मिली थी हमें। बिल्कुल और वो जब आप जाते हैं आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट और फाइनेंस होना चाहिए, ठीक है। तो वो उसी यानी वक्त। मतलब लास्ट टाइम भी मेरे से एक दोस्त ने पूछा, क्योंकि ये इस सिगोरो में मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि जब हम सिगोरो नंबर लेने जाते हैं, अप्लाई करने जाते हैं, चलो मेरा तो मैंने तो आज से पहले कराया, लेकिन अभी आपने कराया, तो साथ में जुनता जो होता है घर का एड्रेस, वो सिगोरो में लेके जाना नहीं पड़ता नहीं है नहीं जस्ट? जस्ट 3 चीजें आपको चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका ओके फोन नंबर और आपका फाइनेंस फिनांस नंबर। तीन नंबर, चीजें आपने लेके जानी है, तो उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देना है, यानी जिस डेट की आपको अपॉइंटमेंट होगी उसके होगी ऊपर टाइम टेबल डेट सब कुछ मेंशन होगा कि इस टाइम आप इस दिन और इस टाइम आपने आना है, तो ये तो मतलब हो गया आपका फिनांस, जुनता और और सिगोरो। सिगोरो। और तो वो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मुझे तो सारा पता है, लेकिन दोस्तों का जस्ट क्लियर करना, कॉन्ट्रैक्ट का आपने मतलब कैसे किया? कॉन्ट्रैक्ट का ये था कि कोई काम मिल नहीं था रहा, तो एग्रीकल्चर वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, मजबूरी थी। वो बिल्कुल, पहले मैंने कभी काम भी नहीं था किया एग्रीकल्चर का या ना, वो तो मैं यानी ऑलरेडी वीडियो में कहता हूँ, भाईजान इधर लाडले जो होते हैं ना, उनको एक वो दफा जो करते है हैं, ना अच्छा सा झटका तो लगता वो है। मैंने उधर फिर एग्रीकल्चर से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मैंने उनसे कहा था कि पैसे ले लें और मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दें। तो वो कह रहे थे यार ऐसे नहीं करते, आपको हमारे साथ काम करना पड़ेगा जब तक आपकी 5 लाख नहीं नहीं होती। होती, ठीक है। तो फिर मैंने काम किया उधर, 7 8 घंटे ड्यूटी दी। और वो ये नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पर आवर के 4.75 यूरो देते हैं, 4 यूरो 4.75 यूरो 75 यूरो, पर अच्छा आवर। पर आवर। तो आप भी और कितने घंटे लगते थे? 8 10 8 10 जबरदस्त समटाइम 12 भी लगे हैं, जबरदस्त, क्योंकि लेकिन आजकल तो सीजन चल हाँ रहा है, सीजन है किसी ना, को कोई काम मिले ना मिले एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का जरूर मिलता मिल है। जाता तो है, मैंने फिर ठीक उनसे बात की थी कि जब तक 5 लाख नहीं होती है। तो तब तक मैं आपके साथ हूँ, जब 5 लाख होगी तो अगर मुझे काम पसंद आया तो करेंगे, अदरवाइज ये मेरे वाला अदरवाइज काम नहीं है। मुश्किल होता हाँ है। जी, तो फिर हमने वो काम किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी 5 लाख कर देंगे 1 2 दिन के अंदर, जब सिगोरो बन के आ गया। तो 5 लाख करने के लिए आपको पता है फिनांस, सिगोरो, जुनता, ओरिजिनल पासपोर्ट और लीगल एंट्री, लीगल एंट्री, 5 चीजें चाहिए। और छठी वो जो उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट लगाया, यानी एग्रीकल्चर का। तो मतलब ये आपने काम करके कॉन्ट्रैक्ट उनसे लिया, जी, तब आपने पेपर जो है ना सबमिट तब तो करवाए। जिस दिन उन्होंने पेपर सबमिट किए हैं उसी दिन आपको मेल आ जाती है कि आपकी फाइल हाँ सर, सबमिट हो गई है। ये बात मैं दोस्तों को भी बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग, कोई भी बंदा जब यहाँ पे पेपर सबमिट करवाते हैं, उसी वक्त उसी टाइम उसको ईमेल आ जाती है ईमेल सेफ है की तरफ से, सेफ की तरफ उसके से, ऊपर ऊपर लिखा होता है नो रिप्लाई, ठीक जी। है, उसके उस पर रिप्लाई नहीं कर सकते, जो लेकिन ये पुर्तगाल में भी कहीं में भी जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मैसेज आता है ना, कोई बिल्कुल भी ईमेल खास करके जब आएगी उसके ऊपर लिखा होता है नो रिप्लाई, नॉन रिप्लाई। नो रिप्लाई, और जब आपको 100% मेल आएगी ना नॉन रिप्लाई, तो वो 100% गवर्नमेंट की तरफ से ही है, ठीक है। उसके तो ऊपर लिखा मतलब होता है। आपने जब पेपर सबमिट कराया, आपको वो ईमेल आई? जी, पहले बिल्कुल, ईमेल आई, उसमें एक लिंक होता है, ठीक है, वो दूसरा बंदा आपकी फाइल लॉक कर रहा है ना, वो आपसे बात कर रहा होता है दूसरे फोन से। जब आपको मेल आती है वो कह रही है इस लिंक पे क्लिक करो, ठीक है, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट उसके पास ओपन हो जाएगी, आपके पास भी ओपन हो जाती है, और उसके उसके बाद पास भी लैपटॉप पे वो ओपन हो जाते कंफर्म हैं, करना होता है मेरे ख्याल में। कंफर्म करना हाँ होता बिल्कुल, है। ठीक हो फिर गया, वो कंफर्म करते हैं कि जिसको मेल गई है, हाँ वो वही यानी उसको बंदा है। देख रहा है, यानी उसने मेल चेक की है। तो वो जो आपके पेपर सबमिट हुए थे वो खुद आपने चेक किए थे जी इसमें से, जब मतलब सेफ की जो वेबसाइट होती है सेफ की, जी, वहां पे जाके लॉग इन होके वो पहले उसके वो अंदर, आती है, फिर वो जब एंट्री कर देते हैं ना, लॉग इन कर देते हैं, फिर वहां पे एक
सेफ की ईमेल बनती है, यानी आपके नाम पे बनती है लेकिन वो सिर्फ सेफ के लिए यूज होती है। फिर वो आपको ईमेल सेंड करते हैं, यानी जिसने आपकी फाइल लॉक की है तो वो मुझे उन्होंने ईमेल सेंड की, पासवर्ड सेंड किया कि भाई आपकी फाइल लॉक हो गई है, आप वहां पे जाके प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक कर लो, अगर नाम नेम में कोई भी मिस्टेक है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, वो तो उसे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद होता है जब आपके पेपर लॉक हो जाते हैं, सबसे पहले काम मैं सबको कहता हूँ कि पासवर्ड, हाँ ईमेल का पासवर्ड चेंज करेंगे, फिर वो आपकी प्रॉपर्टी यानी आप वैसे भी आपकी है लेकिन फिर उसमें कोई और बंदा उसको छेड़ नहीं सकता, उसमें कैंसिल का भी ऑप्शन होता है ना, कैंसिल का समटाइम ऐसा होता है ना कि आपने पेपर सबमिट करवाया फ्रांस में रह के स्पेन में रह के किसी दूसरी कंट्री में, तो यहाँ पे आपने पेपर सबमिट करवाया, बाद में हो गया आपका झगड़ा एजेंट के साथ, उसने मांगे पैसे आपसे, आपने दिए नहीं, उसने कहना कि सब कुछ तो मेरे पास है। जी मैं आपको अपना बताता हूँ ना, मैं वो जिससे जिसके साथ मैं काम कर रहा था, तो फॉर एग्जांपल उसको मैंने 50% बताया था कि मैंने काम छोड़ जाना है, तो जब मैंने फाइल लॉक हो गई उसको 2 दिन बाद गया, उसके बाद मैंने कहा मैंने नहीं कल से आना करना, तो अगर फॉर एग्जांपल उसके पास मेरा पासवर्ड होता तो उसने फाइल, उसने पहले तो उसने फाइल जो है ना उसको कैंसिल करनी थी, कैंसिल करनी थी, उसने कहना था कि मतलब इस बंदे ने वैसे काम करा कर, सिर्फ काम के लिए इसने किया, पेपर अपने सबमिट करवाने के लिए आया 4 दिन, फिर अगर उसका पासवर्ड चेंज है तो वो ओपन कर। इसमें एक और बात मैं थोड़ी सी वाजिया कर दूं दोस्तों को, पता है आपको, आपने जब काम छोड़ा ठीक है, इसमें उसका कोई किरदार ऐसा नहीं है कि आपको धमकियां दे, नहीं 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 करो, नहीं नहीं ये पाकिस्तान थोड़ी पाकिस्तान थोड़ी है, क्योंकि लास्ट टाइम एक दोस्त ने कहा था यार मेरे से, वो कह रहा है एजेंट 1 साल मेरे पास काम करना पड़ेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं, आपके पेपर सबमिट हो गए हैं, सबमिट होने से पहले भी आप, बाद में भी आप, जब आपका दिल करे आप काम छोड़ सकते हैं, कहाँ काम छोड़ सकते हैं, लेकिन मेन चीज आ जाती है जब आपके पेपर सबमिट हो जाते हैं तो अपना पासवर्ड जो है ना चेंज लगा, वो जब तक आपको वो आपका ओरिजिनल ईमेल और पासवर्ड नहीं ना देता, आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा, जब आपको ओरिजिनल पासवर्ड और ईमेल दे देते हैं आप फौरन आप ही उसका पासवर्ड चेंज करें, उसके बाद अगर काम करना है तो करें, अगर आपको अच्छी जॉब मिली है तो आप कंटिन्यू करें, इजीली छोड़ सकते हैं, ये भी नहीं कि उसको मतलब उससे परमिशन लें फिर, नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन आपने छोड़ा दूसरे दिन किसी और पे जगह पर, गवर्नमेंट को ऐसे पता चलता है जब आपने किसी दूसरी कंपनी में काम करना है वहां का जब टैक्स जाना है ना, फिर गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली पता चल जाने के बंदे ने कंपनी जो है ना वो चेंज कर ली है, तो इसमें कोई ऐसा कोई उनको कोई इतराज नहीं है, लेकिन उनको बताना चाहिए पहले बताना चाहिए। काम। लेकिन वो आपको रोक नहीं सकते, आपने एग्रीमेंट किया है ना, यूरोप में जो है ना वो आजादी है टोटली, यहाँ पे ऐसी मुश्किल नहीं है कि आप काम बता के छोड़े फिर ये हो गया वो, मैं गल्फ में रहा हूँ ना, वहाँ पे ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपने कोई और जॉब मिल गई है, तो उसमें ये है कि आपने पहले अपनी कंपनी से इजाजत लेनी है, उन्होंने फिर आपको एक लेटर देना है, फिर आपने वो वाला वीजा कैंसिल करना है, फिर न्यू वीजा लगवा के फिर आपने काम पे जाना है, यानी काफी ज्यादा प्रोसेस है और आपके पैसे भी जाया होते हैं। पहले सॉरी मैं अपनी बात, एग्रीकल्चर का जो आपने काम किया है आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि ये तो जो बंदा पुर्तगाल आता है किसी किसी को करना भी पड़ता है, थोड़ा सा बता दे कि मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है जिन्होंने कभी किया नहीं, फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान में या अपने कंट्रीज में करते हैं, फॉर एग्जांपल लोग अपने करते हैं ना जो जिम्मेदार है करते रहते हैं, उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो भी अगर कंटिन्यू 10-15 दिन करेंगे तो उनके लिए बिजी हो जाएगा इतना। वो मैंने जो किया वो टमाटर का काम था, उसमें उसकी कटिंग थी और फिर कुछ दिन रसबरी का, फिर उन्होंने रसबरी का करवाया ठीक है, और रसबरी ऐसे है जैसे लाइक एज ए स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी है उसको बस तोड़ना है आपने, तीन फिंगर से पकड़ के उसको पकड़ के बस आपने तोड़ते रहना है, और उसमें यह है कि छोटे छोटे कांटे होते हैं वो सम टाइम लगते हैं आपको, और बाकी इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। आपने एक कितना टाइम काम किया ये? तकरीबन 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन तो सैलरी आपको कुछ अंदाजा है कि मंथली कितनी बन सकती थी, क्योंकि आपका थोड़ा सा जी जी वो आपको फॉर एग्जांपल आपने जितने आवर लगाए हैं ना ठीक है, उसको आप 4.75 से मल्टीप्लाई करने वो आपको सैलरी भेज, मैक्सिमम कितनी निकल आती है जो आप, फॉर एग्जाम्पल 90-93 आवर्स लगे होंगे तो इसको आप 4.75 से मल्टीप्लाई कर ले, यानी आपका 400 450 460 65 बन वीक का, नहीं नहीं 1 वीक का नहीं, टोटल आपके अगर आप पर मंथ आप काम करते हैं ना तो आपकी 900 तक सैलरी आ सकती है, जा सकती है। और वैसे भी ये अभी तो सीजन चल रहा है ना, गर्मी में सीजन चलता है, मार्च में यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे जॉब मिल जाती है एग्रीकल्चर बड़ी इजीली मिल जाती है,
तो सबके लिए यही बेस्ट है कि आ जाए आके अपने पेपर पेपर सबमिट करवा के तो थोड़ा स्टार्ट करे, फिर आगे चेंज बंदा बड़ी इजीली कर सकता है। आजकल सीजन है ना, आजकल आप किसी को कहते हैं ना कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो वो कहेगा भाई काम करो आपको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। जब सीजन आउट हो जाएगा ना, तब आप किसी के पास जाएंगे, वो पहले तो आपके नखरे दिखाएगा, बाद में आप अपनी पसंद के पैसे मांगेगा कि मुझे इतने पैसे दो फिर कॉन्ट्रैक्ट करो। आजकल वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें यानी लेबर चाहिए, लेबर चाहिए, बंदा बिल्कुल जीरो पॉइंट है, हम उसके पेपर सबमिट करवाते हैं और बंदा सिर्फ हमारे पास काम करेगा, क्योंकि उनका फ्रूट खराब होता है और बंदे उनको लाजमी चाहिए। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं ना, फिर आपका कुछ पैसे यानी खर्चा आता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एग्रीकल्चर में यानी ऑनर से मिल रहे हैं ना, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज होती है। बिल्कुल, वो तो सारा सा उसमें करना होता है, सैलरी भी अच्छी मिलती है, सैलरी भी अच्छी मिलती है उसमें। फिर आपको फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है रसभरी की ना, पर आप उसको तोड़ते हैं, अगर आप उसको ज्यादा दे रहे हैं ना, फिर वो आपको बोनस भी देंगे, बोनस भी देंगे। और अगर आप कम करते तो फिर वो आपके साथ वो ये माइनस तो नहीं करते, लेकिन फिर आपको कहते रहते हैं यार इम्प्रूव, उनको भी पता होता है कि नया है, लेकिन वो आपको फिर कहते हैं यार थोड़ा इम्प्रूव करो यानी ज्यादा दो ज्यादा दो ऐसे। लेकिन आप माइनस नहीं करते, लेकिन अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो फिर आपको बोनस जरूर देते हैं। ठीक हो गया सफियान भाई, थैंक यू वेरी मच। ये थी मतलब सफियान भाई ने पेपर मतलब कैसे जमा करवाए, उसके बाद एग्रीकल्चर का काम जो कि पुर्तगाल में करना पड़ता है, सबको तो नहीं लेकिन किसी किसी को करना पड़ जाता है। सो अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो इंस्टाग्राम पर रब्ता कर लेना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब प्लस वीडियो लाइक जरूर कर देना। सो सफियान भाई थैंक यू वेरी मच, वेलकम।